औरंगजेब बिकम द एम्पायर इन 1658 सी। तो औरंगजेब एम्पायर कब था? 1658 में। एट दिस टाइम द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू बंगाल इन द ईस्ट। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट। तो औरंगजेब जब एम्पायर हुआ उसने क्या किया, उसका जो एम्पायर है मुगल एम्पायर वो कहाँ तक एक्सटेंड किया? कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द ईस्ट। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट। औरंगजेब ने आसाम को भी ईस्ट में ऐड किया। एंड द रीजन ऑफ आदिशाह एंड बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाह ऑफ गोवालकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। उसने क्या किया, इस किंगडम को एंड करके वो अपने साम्राज्य में जोड़ दिया। मीन्स उसको जो आसाम है और आदिशाह ऑफ बीजापुर साउथ एंड कुतुब शाह ऑफ गोवालकोंडा इसको एंड करके वो अपने साम्राज्य में उसने जोड़ दिया। कॉन्फ्लिक्ट विद द अहोम्स। तो जो अहोम्स है, इन द 13th century सी द पीपल ऑफ द शान कम्युनिटी सेटल डाउन इन द वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो 13th century में क्या हुआ, जो शान कम्युनिटी के पीपल थे वो कहाँ पे सेटल हुए? वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। जो ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, वहाँ पे वो सेटल हो गए। दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर। दे वेयर लोकली नोन एज अहम पीपल। तो उसको कहते हैं अहम पीपल। वाइल औरंगजेब रूल द अहम हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल। तो औरंगजेब जब इट मीन्स औरंगजेब और जो अहम्स है उनमें स्ट्रगल हुई, हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स। मीन बहुत ज़्यादा दिन तक उनमें स्ट्रगल हुई औरंगजेब और अहम्स। द मुगल अटैक द अहम रीजन। द अहम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिंह। तो जो अहम का लीडर था गदाधर सिंह, कमांडर लांछित बड़फकून गिव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। तो जो कमांडर था लांछित बड़फकून, उन्होंने मिल के मुगल के साथ फाइटिंग की। द अहम यूज द गुरिला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल। हमने क्या किया, गुरिला टेक्निक मीन्स गनीमी काव पद्धति का यूज किया। इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मुगल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। तो आसाम में मुगल को अपनी सत्ता बनाना इतना आसान उन्होंने बनना नहीं दिया।